हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम टू अन अकेडमी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सभी को ढेर सारा प्रणाम है, ढेर सारी दुआएं हैं। वेलकम टू अन अकेडमी फिर से सभी को। आज हम लोग मिक्स्ड मॉडर्न हिस्ट्री देखेंगे, मींस कोई टॉपिक विशेष नहीं है, पूरा समग्र आधुनिक भारत के इतिहास को समझने का प्रयास करेंगे और एमसीक्यू से इसको समझते हैं हम लोग। तो जितने भी लोग हैं, जितने भी दोस्त लोग, भाई लोग, जितने भी हैं, सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए और मेरी आवाज क्लियर है या नहीं है ये मुझे बता दीजिए। तो मेरी आवाज क्लियर है तो फिर सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे, सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे अगर मेरी आवाज क्लियर हो तो। देखिए, पहला सवाल पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। प्लस पर भी मेरी क्लास चल रही है, प्लस पर भी मेरी क्लास चल रही है जिसमें आप लोग मेरे से जुड़ सकते हैं। स्पेशल क्लास भी चल रही है, जिन बच्चों का इम्तियाज अहमद का क्लास छूटा हुआ है वो बच्चे हमसे बरुन 10 कोड से मिल सकते हैं। बरुन 10 कोड से जिन बच्चों का क्लास छूटा हुआ है वो बरुन 10 कोड का इस्तेमाल करके स्पेशल क्लासेस में आ सकते हैं। इम्तियाज अहमद आधुनिक भारत का, आधुनिक बिहार का इतिहास, वो वहां स्टार्ट है। आज हम लोगों ने बिहार के प्रमुख विद्रोह पर बातचीत कर ली है, उसके लिए मेरा नीचे में लिंक है, उस लिंक को आप फॉलो करिए और सीधा आप मेरे पेज पर चले जाएंगे अन अकेडमी के एप्लीकेशन पर। तो बरुन 10 अपने भाई, अपने दोस्त बरुन 10 बी बिहार वाला है, इस कोड को इस्तेमाल करिएगा, वहां पर सीधा पहुंचिएगा और वो फ्री क्लासेस है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि वो फ्री क्लासेस है, ठीक है? तो फ्री क्लासेस में आपको ये कोड यूज करना रहेगा। पहला सवाल है, महात्मा गांधी के द्वारा सत्याग्रह के रूप में भूख हड़ताल का प्रयोग कब किया गया? तो सवाल ये नहीं है कि भाई सत्याग्रह कब पहला उनका कौन सा था, सत्याग्रह के रूप में भूख हड़ताल का प्रयोग कब किया गया था, ये सबसे पहला सवाल है। पहला ऑप्शन है चंपारण आंदोलन, दूसरा है खेड़ा, तीसरा है असहयोग आंदोलन, चौथा है अहमदाबाद आंदोलन, पांचवा है उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक। तो भूख हड़ताल का प्रयोग कहां पर किया गया है ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए, आपको तो वैसे ऑर्डर पता ही है, केक ऑर्डर होता है चंपारण अहमदाबाद खेड़ा, ये ऑर्डर है वैसे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है वैसे, अहमदाबाद जो मील आंदोलन है वहां पर मील मजदूरों ने, वहां पर जो प्लेग था, प्लेग हुआ था गुजरात में, तो प्लेग के बोनस को लेकर यह विवाद था। वहां पर क्या था, ये लोग बोनस की मांग कर रहे थे और वहां पर अंग्रेजी हुकूमत उसको कम करना चाहता था, जिसके कारण क्या हुआ कि अहमदाबाद आंदोलन हुआ और उसमें गांधी जी के द्वारा पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया गया। तो इस हिसाब से इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, अहमदाबाद आंदोलन, अहमदाबाद आंदोलन। क्लियर है? चंपारण के बारे में आप जानते ही हैं, गांधी जी का प्रथम जो है वो सत्याग्रह है, उसका नाम है ये चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह उसका नाम है, चंपारण आंदोलन। चलिए, तत्व बोधनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तत्व बोधनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। पहला ऑप्शन है केशव चंद्र सेन, दूसरा है देवेंद्रनाथ टैगोर, तीसरा है द्वारकानाथ टैगोर, चौथा है राजा राम मोहन राय, पांचवा है उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ये पांचों ऑप्शन है, जिस पांचों ऑप्शन पे आपको काम करना है, ठीक है? तो बताइए इसका करेक्ट उत्तर क्या होगा। पहला सवाल, पहला ऑप्शन है तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी,
केशव चंद्र सेन, उसके बाद केशव चंद्र सेन, उसके बाद देवेंद्रनाथ टैगोर, द्वारकानाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, और फिर फाइनली क्या है, फाइनली है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये कौन है? देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 में इसकी स्थापना की थी। इसमें उनका उद्देश्य था कि राजा राम मोहन राय के द्वारा जो ब्रह्म समाज की स्थापना की गई उसके उद्देश्यों का भी प्रचार किया जाए। ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था कि भाई जो जाति प्रथा समाज में चल रही है, जो मूर्ति पूजा है, जो आडंबर है, जो कर्मकांड है, उसको समाप्त किया जाए, महिलाओं की स्थिति को ऊंचा किया जाए, ये सब उद्देश्य था ब्रह्म सभा का। तो ब्रह्म सभा का प्रचार प्रसार करना भी इसका उद्देश्य था। राजा राम मोहन राय ने 1828 में आप देखेंगे तो ब्रह्म समाज की स्थापना की। इन्होंने सती प्रथा का अंत भी किया। इनके टाइम पे जो सती प्रथा के अंत के समय में गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिक थे। विलियम बेंटिक थे। 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। केशव चंद्र सेन भी किससे जुड़े हुए हैं? केशव चंद्र सेन भी ब्रह्म समाज से जुड़े हैं, और बाद में वो ब्रह्म समाज से अलग होकर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। वो बाद में साधारण ब्रह्म समाज की जो है वो स्थापना करते हैं, ठीक है। और जब जब ब्रह्म समाज दो भाग में बट गया तो एक साधारण ब्रह्म समाज हो गया वो केशव चंद्र सेन वाला, और देवेंद्रनाथ टैगोर वाला जो है वो बन गया आदि ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज, ठीक है। चलो, निम्नलिखित में से किस संगठन का उद्देश्य औपनिवेशिक सत्ता को उखाड़ फेंक एक संघीय गणतंत्र संयुक्त राज्य भारत की स्थापना करना था? एक है भारत नौजवान सभा, दूसरा है अभिनव भारत, तीसरा है HSRA, चौथा है गदर पार्टी, और पांचवा है उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक। तो किसका ये उद्देश्य था बताइए। ठीक है, किसका ये उद्देश्य था? तो देखिए इसमें क्या होगा, HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, HSRA ने यह डिमांड किया था कि एक संयुक्त राज्य भारत की स्थापना की जाए। तो थर्ड ऑप्शन होगा HSRA। HSRA इसका करेक्ट उत्तर होगा। HSRA 1924 में, अक्टूबर 1924 में क्रांतिकारी युवाओं का एक संगठन, कानपुर में एक सम्मेलन हुआ और इसी सम्मेलन में HSA का गठन किया गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन का, जिसका नाम बदलकर बाद में क्या कर दिया गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट जो है HSRA रिपब्लिकन एसोसिएशन। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, विठल भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक। तो बारदोली सत्याग्रह कहां हुआ है? गुजरात के सूरत जिले में। यह गुजरात के सूरत जिले में हुआ है और इसके नेतृत्वकर्ता कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका करेक्ट उत्तर होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका करेक्ट उत्तर होगा। और इसका भी उद्देश्य क्या था? लगान से संबंधित यह भी आंदोलन है। लगान में कमी से संबंधित यह भी आंदोलन है। लगान में कमी से संबंधित यह भी आंदोलन है। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना सचिवालय गोलीकांड की हत्या कब हुई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय पटना सचिवालय गोलीकांड की घटना कब हुई थी? ए 11 अगस्त 1942, बी 15 अगस्त 1942, सी 26 जनवरी 1942, डी 22 अगस्त 1942, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक। आज सब कोई बच्चा लोग कहां चला गया है? आज सभी बच्चे कहां चले गए?
सभी को बुलाइए, सभी को पकड़ करके खींच के लाइए, ठीक है? ओके, आज मैच चल रहा है तो क्या होगा? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना सचिवालय गोलीकांड की हत्या कब हुई थी? 11 अगस्त 1942 को, जिसमें WG आर्चर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया था। पटना के जिला अधिकारी WG आर्चर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया था, और यह कब हुई है? 11 अगस्त 1942 को। 11 अगस्त 1942 को सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा, डॉक्टर B.R. अंबेडकर के द्वारा, ज्योतिराव फुले के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक। तो देखिए, 1873 ईस्वी में इसकी स्थापना किसके लिए की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी सबसे पहले तो ज्योतिराव फुले के द्वारा यह स्थापना की गई थी। और इसमें आप देखिएगा तो इन्होंने, ज्योतिराव फुले ने गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया, जो ब्राह्मणों के द्वारा निम्न जाति के लोगों का शोषण किया जाता था उसके विरुद्ध में ही ये आंदोलन था। तो गैर ब्राह्मण आंदोलन का इन्होंने संचालन किया ज्योतिराव फुले ने। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर होगा ज्योतिराव फुले, ज्योतिराव फुले। क्लियर है? ज्योतिराव फुले, ठीक है। इनकी पुस्तक भी एक है, उसका नाम क्या है? गुलामगिरी, गुलामगिरी। तो दोनों के माध्यम से इन्होंने गैर ब्राह्मण आंदोलन किसके किसके माध्यम से चलाया? एक तो सत्यशोधक समाज के माध्यम से, और दूसरा गुलामगिरी इनकी पुस्तक का नाम है। तो ये गुलामगिरी नाम भी आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि गुलामगिरी पुस्तक किसकी है। तो गुलामगिरी पुस्तक किसकी है? गुलामगिरी पुस्तक भी ज्योतिराव फुले की है, और इन दोनों के माध्यम से ही उन्होंने आंदोलन को संचालित किया है। 1857 ईस्वी के क्रांति में कुंवर सिंह के द्वारा किस अंग्रेज अधिकारी को पराजित किया गया था? 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह के द्वारा किस अंग्रेज अधिकारी को पराजित किया गया था? पहला है कैप्टन ली ग्रांट, दूसरा है मेजर आयर, तीसरा है कैप्टन डनबर, चौथा है कैप्टन डगलस, पांचवा है उपरोक्त में से कोई नहीं, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक। तो 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह ने, आरा के कैप्टन कौन है? आरा के कैप्टन डनबर, आरा के कैप्टन डनबर को हराया था, परंतु उन्हें बाद में आरा छोड़ना पड़ा था। तो सबसे पहले इसका करेक्ट आंसर कौन कौन दे रहे हैं? 7 नंबर क्वेश्चन लिख के बोलिए, तो फिर मुझे समझ में भी आएगा कि आप लोग 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। ऐसे लिखते रहेंगे तब क्या बुझाएगा, ठीक है? तो 7 नंबर क्वेश्चन लिख करके बताइए, कैप्टन डनबर कि निम्नलिखित में से कौन से नेता बिहार के किसान आंदोलन से नहीं जुड़े थे? बिहार के किसान आंदोलन से कौन से नेता नहीं जुड़े हुए थे? राहुल सांकृतायन, कायानंद शर्मा, पंचानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा, उपरोक्त में से कोई नहीं, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक। तो बताइए, हालांकि आपको पता है कि इसमें सबसे प्रमुख कौन है? स्वामी सहजानंद सरस्वती सबसे प्रमुख है, स्वामी सहजानंद सरस्वती। लेकिन जितना भी ये ऑप्शन दिया हुआ है, जितना भी ये ऑप्शन दिया है, बहुत बढ़िया, दीपू कुमार ने सबसे सही उत्तर दिया है। जितना भी ऑप्शन दिया हुआ है सभी उपरोक्त में से एक से अधिक इसका करेक्ट उत्तर होगा। तो अगर लीडर की बात करेंगे तो सब हैं, लेकिन प्रमुख लीडर में कौन आते हैं? स्वामी सहजानंद सरस्वती, ठीक है, बहुत बढ़िया, स्वामी सहजानंद सरस्वती। जग्गा जी ने भी सही बताया है, स्वामी सहजानंद सरस्वती, ये सब कुछ जो है वो सब होगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो कम्युनिस्ट पार्टी, जो इंडिया की कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उनके द्वारा, मतलब उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जयप्रकाश नारायण, V.P. वाडिया, M.N. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय, मुजफ्फर अहमद, उपरोक्त में से कोई नहीं, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक। बताइए, तो देखिए, M.N. रॉय कौन है? मानवेंद्र नाथ रॉय के द्वारा 1920 में ताशकंद में
भारतीय कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। तो 1920 में इन्होंने नेतृत्व किया था भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का। और बाद में आप देखेंगे तो दिसंबर 1925 के अराउंड में कई वामपंथियों समूहों के द्वारा मिलकर कानपुर में, बहुत सारे वामपंथी समूह मिले और कानपुर में एक अखिल भारतीय कम्युनिस्ट संगठन का निर्माण किया। ठीक है, तो वो बाद की बात है। तो इस हिसाब से करेक्ट उत्तर क्या है? एम एन रॉय। ठीक है, पुनः वेदों की ओर चलो यह नारा किसने दिया था? पुनः वेदों की ओर चलो यह नारा किसने दिया है? ए दयानंद सरस्वती। सभी लोग सेशन को शेयर नहीं कर रहे हैं। अगर आप लोग एक बार चाह जाएंगे तो ये 28 जो है ना, ये 280 में कन्वर्ट होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन आप लोग चाहेंगे ही नहीं। अरे मर्दवा, करा हो शेयर करा, सभी दोस्त लोग को बुलावा। पुनः वेदों की ओर लौटो, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? यह नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने यह नारा दिया है। और उनका मूल नाम क्या है, मतलब बचपन का नाम क्या है? मूल शंकर, मूल शंकर। ठीक है, 7 अप्रैल 1875 को बंबई में आर्य समाज की स्थापना उन्होंने की है, जिसमें प्राचीन वैदिक धर्म के शुद्ध रूप को पुनः पुनः स्थापित करने की बात उन्होंने कही थी। तो ये आपसे पूछ सकता है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई? तो भाई वो 1875 में हुई, बंबई में हुई। क्लियर है? उस टाइम पे चली गई थी इंटरनेट, जिसके कारण यह समस्या हुआ, क्षमा प्रार्थी है उसके लिए। फिर से आप लोग सभी को आ जाइए, बुलाना तो कठिन होता है लेकिन फिर भी आ जाइए। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अली नगर की संधि किनके किनके बीच हुई थी? अली नगर की संधि किनके किनके बीच हुई थी? पहला ऑप्शन है अलवर्दी खां एवं क्लाइव, दूसरा है सिराजुद्दौला एवं क्लाइव, तीसरा है मीर जाफर एवं क्लाइव, चौथा है मीर कासिम एवं क्लाइव। अली नगर की संधि की बात हो रही है। और पांचवा है उपरोक्त में से कोई नहीं, या फिर उपरोक्त में से
एक से अधिक। तो देखिए 23 जून 1757 को पलासी का युद्ध हुआ, उसके पहले ही 9 फरवरी 1757 को जो उस समय के नवाब थे सिराजुद्दौला और अंग्रेज अधिकारी क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव थे उस समय, तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच ये संधि हुई थी। तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला इसका करेक्ट उत्तर होगा। तो सिराजुद्दौला एंड क्लाइव इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चलिए 1912 ईस्वी में बिहार में राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन कहां हुआ था? तो 1912 में बिहार में राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन कहां हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 है गया, ऑप्शन नंबर 2 है पटना, ऑप्शन नंबर 3 है बांकीपुर, ऑप्शन नंबर 4 है मधुबनी, ऑप्शन नंबर 5 है उपरोक्त में से कोई नहीं, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक। तो 1912 ईस्वी में बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ था 1912 में? तो ये हुआ था बांकीपुर में, बांकीपुर में ये हुआ था। और इसके बारे में आपको पता होगा कि इसकी अध्यक्षता आर एन माधोलकर ने की थी, इसकी अध्यक्षता आर एन माधोलकर ने की थी, ठीक है, आर एन माधोलकर ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो इस हिसाब से करेक्ट उत्तर क्या होगा 12 का? बांकीपुर, बांकीपुर इसका करेक्ट उत्तर होगा। अहमदाबाद मिल सत्याग्रह में समाज के किस वर्ग ने हिस्सा नहीं लिया था? अहमदाबाद मिल सत्याग्रह, हम लोगों ने पहला ही क्वेश्चन देखा अहमदाबाद मिल सत्याग्रह का संबंध किसे है, गांधी जी से, और यह पहला भूख हड़ताल वाला आंदोलन भी था। इसमें विवाद जो है वो प्लेग बोनस को लेकर विवाद था, और इसकी जो है इसमें कौन से वर्ग ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था? तो इसमें कौन होगा, मतलब जो आप समझेंगे तो इसमें उपरोक्त में से एक से अधिक होगा, क्योंकि ये मजदूर मिल मजदूरों का आंदोलन था। तो इसमें कौन से पार्टिसिपेट नहीं किया था? इसमें कृषकों का नहीं था या मध्य वर्गों का नहीं था, ये बेसिकली मजदूरों का आंदोलन बना हुआ था, ठीक है। तो इसमें उपरोक्त में से केवल क्या होगा, कौन से लोगों ने नहीं लिया था? तो इन्होंने भी नहीं लिया था, इन्होंने भी नहीं लिया था, इन्होंने भी नहीं लिया था। तो भाई उपरोक्त में से एक से अधिक इसका करेक्ट आंसर होगा, जिन्होंने नहीं लिया था। आप लोग सभी दोस्तों को फिर से वापस शेयर करके, फिर से रिक्वेस्ट करके, फिर से वापस बुलाइए कि भाई इंटरनेट चला गया था लेकिन वापस भी आ गया है। हम जब इंतजार कर सकते हैं तो आप छात्र तो इंतजार कर ही सकते हैं। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक सत्याग्रह में भाग लिया था? किसने गांधी जी के नमक सत्याग्रह में भाग लिया था? ए सरोजनी नायडू, बी राजकुमारी अमृत कौर, सी कमला देवी चट्टोपाध्याय, डी एनी बेसेंट, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक। तो किसने गांधी जी के नमक सत्याग्रह में भाग नहीं लिया था? ऑप्शन ये पूछ रहा है कि किसने नमक सत्याग्रह में भाग नहीं लिया था, ठीक है, बताइए। तो इसमें एनी बेसेंट को छोड़कर सभी महिलाओं ने भाग लिया था, तो किसने नहीं लिया था पूछ रहा है, ओके, पूछ रहा है किसने लिया था। तो एनी बेसेंट को छोड़कर सभी ने लिया था, तो उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। इन्होंने भी लिया था, इन्होंने भी लिया था, इन्होंने भी लिया था, केवल और केवल एनी बेसेंट ने नहीं लिया था, तो उपरोक्त में से एक से अधिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो महात्मा गांधी के द्वारा डांडी मार्च की शुरुआत कब हुई है? 12 मार्च 1930 को 12 मार्च 1930 को डांडी मार्च यात्रा की शुरुआत हुई है, और इसी में गांधी जी के नमक सत्याग्रह में इन सब ने लिया था, केवल और केवल एनी बेसेंट को छोड़कर सब ने इसमें भाग लिया था। भारतीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन जिसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया था, इसके अध्यक्ष जो है वो कौन थे? लाला लाजपत राय, रास बिहारी बोस, लोकमान्य तिलक, दादा भाई नेहरूजी, उपरोक्त में से कोई नहीं, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक। तो आप लोगों को ये बताना है कि सूरत विभाजन जिसमें आपको पता है
गर्म दल और नरम दल जो दोनों दल थी उनका विभाजन इसमें हो गया, जो बाद में 1916 के लखनऊ अधिवेशन में जाकर वहां समझौता हुआ नरम दल और गर्म दल के बीच में, और उस समझौता में लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट की महत्वपूर्ण भूमिका थी। लेकिन जब ये विभाजन हुआ, तो विभाजन जब हो रहा था तो उस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? ठीक है, उस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? बहुत बढ़िया, कुमार केशव जी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। क्या है इसका आंसर? रास बिहारी बोस। यहां पर देखना है, एक घोष भी हैं, एक बोस भी हैं, तो नाम बोस साहब का आप लोगों को याद रखना है। बहुत बढ़िया, अदिति झा ने भी सही उत्तर इसमें दिया है। जगदीशपुर के कुंवर सिंह का संबंध है किससे? जगदीशपुर के कुंवर सिंह का संबंध किससे है? जगदीशपुर के कुंवर सिंह का 1857 ईस्वी के विद्रोह से, चंपारण सत्याग्रह से, असहयोग आंदोलन से, भारत छोड़ो आंदोलन से, उपरोक्त में से कोई नहीं, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक, बताइए। जगदीशपुर के कुंवर सिंह का संबंध है, अगर हमारे हमको थोड़ा सा भी आप लोग स्नेह प्यार देते हैं तो जितने बच्चे गए थे सभी बच्चों को विनम्र अनुरोध है कि वापस बुला लीजिए, आपके ही मित्र हैं, आपके ही सहयोगी हैं, आपके ही सहपाठी हैं, तो जल्दी बुला लीजिए कि भाई क्लास स्टार्ट हो गया, सर वेट कर लिए 5 मिनट तो आप लोग भी कर लिए होते, लेकिन आप लोगों को तो प्यार दिखाना नहीं है। तो क्या होगा, 1857 ईस्वी के विद्रोह से, 1857 ईस्वी के विद्रोह, पता है बाबू वीर कुंवर सिंह 80 वर्ष के योद्धा जिन्होंने अंग्रेजों को नाको चने चबवा दिए, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा जगदीशपुर के बाबू वीर कुंवर सिंह। बिहार में विदेशिया लोकनाट्य किस लिए प्रसिद्ध है? बिहार में विदेशिया लोकनाट्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? विदेशिया कहां नचवाया जाता है? ए मिथिला में, बी भोजपुर में, सी भागलपुर में, डी मगध में, और ई उपरोक्त में से कोई नहीं, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक, बताइएगा। तो विदेशिया किससे कहां नचवाया जाता है? तो आप लोग कहेंगे कि भाई सर विदेशिया जो है वो भोजपुर के क्षेत्र में नपवाया जाता है, भोजपुर के क्षेत्र में। और आप देखेंगे तो विदेशिया लोकनाट्य में भिखारी ठाकुर का नाम आप लोगों को सुनने को मिलेगा, तो भिखारी ठाकुर का संबंध इसी विदेशिया लोकनाट्य से है। क्लियर है? निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा नहीं लिखा गया है? फणीश्वरनाथ रेणु के द्वारा कौन सा ग्रंथ है जो नहीं लिखा गया है? ए मैला आंचल, बी पलटू बाबू, सी जुलूस, डी रेणुका, इसमें रेणुका भी है, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक। तो 18 का करेक्ट आंसर बताइए कि फणीश्वरनाथ रेणु के द्वारा भाई कौन सा नहीं लिखा गया है, कौन सा नहीं लिखा गया है। देखिए इसमें आप लोग एक चीज समझिए कि भाई जो रेणुका है, रेणुका वो किनकी है? रामधारी सिंह दिनकर की। तो रेणुका जो है वो फणीश्वरनाथ रेणु के द्वारा नहीं लिखा गया है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रेणुका। फोर्थ नंबर इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, फोर्थ नंबर इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए बताइए, श्री कृष्ण सिंह का संबंध बिहार के किस जिले से था? श्री कृष्ण सिंह का संबंध बिहार के किस जिले से था? ए मुंगेर से, बी औरंगाबाद से, सी पटना से, डी नालंदा से, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक। तो देखिए श्री कृष्ण सिंह का जन्म कब हुआ है? 21 अक्टूबर 1887 को, 21 अक्टूबर 1887 को इनका जन्म हुआ, और इनका संबंध किससे है? बिहार के मुंगेर क्षेत्र से इनका संबंध है, और यह स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे, यह स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। बहुत बढ़िया, कुमार केशव ने, धीरज जी ने, सभी ने बिल्कुल सही उत्तर इसका दिया है। निम्नलिखित में से कौन बिहार के किसान नेता थे? बिहार के किसान नेता कौन थे?
शंकर गुहा नियोगी, कायानंद शर्मा, जय नारायण व्यास, नरोत्तम लाल जोशी, उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज अ फार्मर लीडर ऑफ बिहार, निम्नलिखित में से कौन बिहार के किसान नेता थे? तो बताइएगा, तो इसका करेक्ट उत्तर क्या होगा, किसान नेता कौन है? तो कायानंद शर्मा बिहार के किसान नेता थे, कायानंद शर्मा बिहार के किसान नेता थे। तो और इन्होंने आप देखेंगे जमींदारों के और अंग्रेजों के खिलाफ किसानों का नेतृत्व भी किया था। 1927 में उन्होंने जमींदारों के द्वारा मनमाने ढंग से जो शोषण हो रहा था किसानों का, उसके खिलाफ जो है आह्वान भी किया लोगों से। ठीक है, यही हैं आपके कायानंद कार्यानंद शर्मा। भारतीय संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई थी? अस्थायी अध्यक्ष के रूप में भारतीय संविधान सभा के आप देखेंगे प्रथम अधिवेशन में किसकी नियुक्ति की गई थी? तो ए बी आर अंबेडकर, बी सचिदानंद सिन्हा, सी राजेंद्र प्रसाद, डी जे बी कृपलानी, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक। तो बताइएगा क्या होगा, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति हो रही थी? तो भाई ये कौन है, सबसे वरिष्ठ सदस्य थे कौन, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। आपसे ये पूछ देगा कि भाई सचिदानंद सिन्हा की ही नियुक्ति क्यों हुई? ऐसा इसलिए था क्योंकि सचिदानंद सिन्हा काफी वरिष्ठ सदस्य थे, काफी वरिष्ठ सदस्य होने के कारण सचिदानंद सिन्हा को ही इसके लिए चुना गया था। तो इस हिसाब से करेक्ट उत्तर हो जाएगा सचिदानंद सिन्हा। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए 1848 से 1856 डलहौजी रहे थे, उसके बाद डलहौजी के बाद 1856 से 1862 के लिए जो नियुक्त हुए वो कौन थे, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। तो ये गवर्नर जनरल भी रहे और बाद में ये 1857 की क्रांति के बाद में ये क्या बन गए, बाद में ये वायसराय भी बन गए। तो ये दोनों थे, ठीक है, गवर्नर जनरल भी थे और वायसराय भी ये बने रहे। क्लियर है। कृषक प्रज्ञा पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कृषक प्रज्ञा पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ए के फजलूल, एच एस सुहरावी, सैयद अली जहीर, जॉन मथाई, उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक। बताइए कृषक प्रज्ञा पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो ये होगा फजलूल हक, फजलूल हक, तो ए के फजलूल के द्वारा ये गठन किया गया था। 1946 के चुनाव के बाद आप देखेंगे तो इसने मुस्लिम लीग के सहयोग से सरकार भी बनाई थी। तो किसके द्वारा किया गया था, ए के फजलूल के द्वारा, फजलूल हक इसका करेक्ट उत्तर था। भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? भारत के अंतिम वायसराय कौन है, लॉर्ड माउंटबेटन। बड़ा आसान सवाल है, भारत के अंतिम वायसराय कौन है, लॉर्ड माउंटबेटन। 3 जून जो इंपॉर्टेंट डे है 1947 को भारत विभाजन की योजना इन्होंने प्रस्तुत की थी, 3 जून 1947 को। तो लॉर्ड माउंटबेटन इसका करेक्ट उत्तर है। मंगल पांडे द्वारा 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहां से की गई थी? 29 मार्च 1857, 7 मार्च 1857, 15 अगस्त 1857, 26 जनवरी 1857, उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक। बताइए मंगल पांडे द्वारा 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहां से की गई थी, 25वें नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में मंगल पांडे के नेतृत्व में, कब, 29 मार्च 1857 को। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 29 मार्च 1857 और बैरकपुर में मंगल पांडे के नेतृत्व में 34वीं एनआई रेजिमेंट ने जो क्या था, चर्बी वाले कारतूस के लिए विद्रोह कर दिया था और अपने एक अधिकारी की भी इन्होंने हत्या कर दी थी। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 मार्च। रैयतवाड़ी व्यवस्था को सर्वप्रथम किसके द्वारा लागू किया गया था? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था को किसके द्वारा सर्वप्रथम लागू किया गया था? ए
थॉमस मुनरो, एलेक्जेंडर रीड, एलिफिस्टीन, हॉल्ट मैकेंजी, उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक। तो सर्वप्रथम किसके द्वारा लागू किया गया? 26 में पूछा जा रहा है कि भाई सर्वप्रथम किसके द्वारा लागू किया गया, तो देखिए सर्वप्रथम जो है वो एलेक्जेंडर रीड के द्वारा किया गया 1792 में। सर्वप्रथम में एलेक्जेंडर रीड है 1792 में, तो एलेक्जेंडर रीड सर्वप्रथम किया गया जो 1792 में किया गया था मद्रास के क्षेत्र में। रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है? देखिए स्थाई बंदोबस्त था। स्थाई बंदोबस्त में क्या है? एक है यहां पर इंग्लैंड मतलब ब्रिटिशर, उसके बाद है जमींदार और उसके बाद है किसान, पीजेंट्स मतलब किसान होता है। तो स्थाई बंदोबस्त जो कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया उसमें क्या था, इनका जो है मतलब जमींदार से था और जमींदार जो है वो कृषकों से लगान वसूली करते थे। ब्रिटिशर्स का किसानों के साथ सीधा कोई संबंध नहीं था। रैयतवाड़ी में क्या है? रैयत मतलब क्या होता है? किसान होता है। रैयतवाड़ी में क्या है? इंग्लैंड और सीधा पीजेंट्स का संपर्क स्थापित हुआ और सीधा ये किसानों से ही वसूला वसूली करते थे। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। बिल्कुल ठीक है। गांधी इरविन समझौते की मध्यस्थता किसने की थी? तेज बहादुर सप्रू, एम आर जयकर, सरोजनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक। तो गांधी इरविन समझौते की मध्यस्थता किसने की थी? तेज बहादुर सप्रू, एम आर जयकर, सरोजनी नायडू, मदन मोहन मालवीय या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को गांधी एवं लॉर्ड इरविन के मध्य हुआ था। डेट याद रखिएगा 5 मार्च 1931 का जब यह समझौता संपादित हुआ है, तब यह 5 मार्च 1931 का संबंध है, 1931 है, और इसमें लॉर्ड इरविन और गांधी के मध्य समझौता हुआ है और इसकी मध्यस्थता किसने की थी? तेज बहादुर सप्रू ने। तेज बहादुर सप्रू इसका करेक्ट उत्तर है। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? देखिए इस तरीके का सवाल पूछा जा सकता है क्योंकि चंपारण सत्याग्रह से लगभग मिला जुला के हर तरीके का सवाल पूछा है, तो इस तरीके का सवाल चंपारण सत्याग्रह से अभी भी बचा हुआ है। तो चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? तो दक्षिण भारत में जो किसान आंदोलन का रिप्रेजेंटेटिव थे एन जी रंगा, इन्होंने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था, एन जी रंगा। तो 28 का सी, बहुत बढ़िया संदीप जी बता रहे हैं 28 का सी। बिहार में चौकीदारी कर बंदी संबंधी आंदोलन का संबंध किस आंदोलन से था? तो बताएंगे बिहार में चौकीदारी कर बंदी संबंधी आंदोलन का संबंध किससे था? असहयोग आंदोलन से, सब चंपारण आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, भारत छोड़ो आंदोलन से या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान आप देखेंगे तो बिहार में चौकीदारी कर बंदी जो है वो चलाया गया, कहां पर? चंपारण और शाहबाद के क्षेत्र में आपको यह प्रमुखतः दिखेगा। चंपारण और शाहबाद के क्षेत्र में आपको यह प्रमुखता दिखेगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्लियर है? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण को किस जेल में बंद किया गया था? जयप्रकाश नारायण को किस जेल में भारत छोड़ो आंदोलन के लिए बंद किया गया था? पहला ऑप्शन है पटना, दूसरा है मुंगेर, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है रांची, पांचवा है उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक। तो 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो कहां रखा गया था जयप्रकाश नारायण को? हजारीबाग। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया आदित्य वैभव जी, अभय जी, कुमार केशव जी, बहुत शानदार। तो देखिए कहां है? हजारीबाग। और साथ ही साथ आप लोगों को जैसा बता रहे थे कि देखिए प्लस में क्लास चल रही है, स्पेशल क्लास भी चल रही है, वो फ्री होती है, और अभी इसके जस्ट बाद प्रतियोगिता दर्पण की क्लास चलती है एप्लीकेशन पर पीडी की और घटना चक्र की, करंट अफेयर्स की एमसीक्यू चलती है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इसका 2 क्लास ही हुआ है, ये लगातार हो रहा है, ठीक है, हर दिन हो रहा है, इसका नोट्स भी आप लोगों को मिल ही जाता है,
तो इसके लिए आप लोग हमारे क्लास में सीधा जुड़ सकते हैं, नीचे में उसका लिंक दिया हुआ है, उसमें काफी विस्तार सर उस पर बातचीत हो रही है, उसमें नोट्स आपको मिल ही जाएगा, तो आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं अपने करंट अफेयर्स को, जो पिछले एक साल का आपका पेंडिंग करंट अफेयर्स है। क्योंकि एक साल का जो करंट अफेयर्स अभी जो आपका बचा हुआ है, वो करंट अफेयर्स आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि वो काफी इंपॉर्टेंट है, अगर हम परीक्षा के दृष्टिकोण से बात करें तो। ठीक है, ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। और अब जैसे कि बैच कोर्सेस अगर मैं दिखा दूं आपको, तो देखिए बैच कोर्सेस में आपको दिखेगा, एक तो इंपॉर्टेंट है जो टेस्ट सीरीज है, इसको आप लोग जरूर दीजिए, ये परीक्षा में काफी इंपॉर्टेंट होता है। करंट अफेयर्स का टेस्ट सीरीज है जो कि बिल्कुल फ्री है। टाइम है जो पीडी और घटना चक्र का जो टाइम है वो है रात को 11 बजे। रात को 11 बजे इसको प्लीज आप लोग अटेंड करिए। अभी 2 ही 3 क्लास हुई है, बिल्कुल फ्री क्लास है, उसको आप अटेंड करिए। रात को 11 बजे यह क्लास होनी है, रात को 11 बजे, तो इस क्लास को आप लोग अटेंड करिए और उसके बाद आप लोग को जो है इससे काफी बेनिफिट होगा। तो देखिए ये बैच कोर्सेस है, फाउंडेशन कोर्स है, 17 नवंबर को शुरू है। इधर आप देखेंगे तो बरुण 10 कोड का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, बरुण 10 कोड का इस्तेमाल करिए और इस कोड के माध्यम से आप लोग अनलिमिटेड सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, अनलिमिटेड टाइम्स इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग सभी कोई उस क्लास में जरूर से जरूर आइए, बहुत ज्यादा बेनिफिट है आप लोगों को, एकदम एक एक चीजों का डिस्कशन, डिस्क्रिप्शन मतलब एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोगों को चीजें बताई जा रही है। तो एक बार जैसे ही आप लोग आएंगे तो आप लोगों का कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। ठीक है,